क्या कर रहे हैं? शिट शिट, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है भाई। गाड़ी आगे से पूरी टूट गई है और भाई बंदे को कुछ नहीं हुआ, शुक्र मनाओ। लगी तो नहीं उसको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और अच्छी न्यू वीडियो में। तो गाइस यार, मैं काफ़ी दिन के बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, एटलीस्ट 15 डेज के बाद, क्योंकि आपको पता है जैसे उधमपुर में बिजी था तो मैंने व्लॉग बना दिया था एक। तो अभी मैं फिलहाल मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई यामाहा की एजेंसी में, क्योंकि बाइक में यार फिर से इंजन लाइट जल रही है, वो पता नहीं क्या इशू है। तो वहाँ पर चलते हैं यार, तो उनको पूछते हैं कि ये क्यों बार बार ऑन हो रही है, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है उसकी वजह से। यार बालों को इग्नोर करना यार, ये हेलमेट लगाई होती है तो हो जाता है। अभी सीन ये है भाई, अभी मैं जा रहा हूँ भाई यामाहा के कंपनी में, भाई इसकी फिर से इंजन लाइट जल गई है। तो अभी वहाँ पे जाते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या सीन है इसका, क्यों बार बार जल रही है ये लाइट। ये दूसरी बार जल चुकी है भाई, इससे पहले भी मैंने दिखाया था आपको लाइट लग रही थी। फिलहाल तो अभी भाई साहब मैं अकेला ही हूँ, तो मैं मैक्सिमम अकेला ही होता हूँ। यहाँ तो मेरे साथ आशीष भाई या फिर अरुण भाई होते हैं। अभी मैं 2-3 दिन से भाई उधमपुर वाली साइड था भाई, वहाँ पे एक नंबर मौसम था भाई साहब, हवा चल रही थी इतनी अच्छी। और जम्मू में वही हाल है गर्मी, यहाँ पे लू चलती है। लू लू का मतलब गर्म हवा। तो यार फाइनली हम इधर सिटी में एंटर कर चुके हैं भाई साहब। जो सिटी में मज़ा आता है यार राइड का, वो और कहीं पे नहीं आता। और आज देखो यार, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है सिटी नरवाल अपना, पता नहीं क्यों, वरना तो इसमें यहाँ पे ट्रैफिक ही तो भाई बीमार होती है। अपने यहाँ पे मामे खड़े हुए यार, बाइक वाले को पकड़ लिया हुआ है, उनको कोई डर नहीं है भाई, अपन के पास फुल डॉक्यूमेंट है, तो हम चलते भी बिना डर के हैं। ओ नो माय गॉड, मामा इज हियर। ये देखो भाई, ट्रैफिक पुलिस के सामने सामने नाका तोड़े जा रहा है, क्या बनेगी ट्रैफिक पुलिस। ये देखो ये कहाँ से आ रहे हैं, फिर ठुकते हैं भाई राम से, फिर ठुकेंगे, फिर बोलेंगे भाई ठोक दिया। शोरूम तो हम पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं क्या सीन रहता है यार। भैया वो बाइक की इंजन लाइट ऑन हो गई है, सेंसर की। मतलब होती कैसे ऑन ये अपने आप ही यहाँ? तो भाई शोरूम से निकल गया भाई साहब, एक मिनट में काम हो गया इंजन लाइट का। इंजन लाइट जलती क्यों है? तो ये कह रहे हैं भाई वो अपने आप जलती है, क्योंकि अगर उसमें कोई इंजन में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो ये वार्निंग दे देती है कि आपकी ये चीज़ जो है ये ऑन हो चुकी है। तो ये आपको अलर्ट करती है कि भाई जाके चेक करवा लो। बाकी मैंने यार राइडर राजा को फ़ोन किया, अपने आशीष भाई को, कि भाई मुझे मिलो, कहा था कि भाई मेरे साथ चलो सर्विस सेंटर में नरवाल। तो उन्होंने कहा कि भाई आप होकर आओ, अपना काम करा कराओ, क्योंकि यार गर्मी बहुत है तो मन भी नहीं करता है। तो फिर मैं अकेला ही चला गया, वरना आपको थोड़ी राइडर राजा की कटिंग वगैरह दिखाते भाई साहब। वो भाई ट्रक वाला जा रहा है, बिल्कुल मिट्टी फेंकते हुए जा रहा है, इससे पीछे हो जाते हैं भाई। ये देखना भाई कहाँ से कहाँ आ रहा है, क्या कर रहे हैं? तो यार ये देखना कैसे बंदे होते हैं पागल, पता नहीं बात कर और समझ के चलते हैं अपने, यहाँ से यहाँ कर रहे हैं। तो भाई यार अभी आशीष भाई अपने बोल रहे हैं कि पंचतीर्थी वगैरह आ जा, वहाँ पे नान वगैरह खाते हैं, तो भाई भूख भी मुझे लगी है, तो पंचतीर्थी चलते हैं भाई उनके पास। उनके नीचे से भाई साहब क्या पानी है भाई, बंदे नहा रहे हैं यहाँ पे यार। गर्मियों में भाई नहाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यार। मैं गर्मी भाई इतनी हो रही है कि भाई साहब क्या बताऊँ, पिछवाड़े की बैंड बजी पड़ी है। शिट शिट, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। क्या हुआ अंकल, बाइक साहब बजी लगी तो नहीं किसी को? कहाँ, वहाँ से आ रही थी ये? कहता हूँ मरने से बच गए मैं बाकी। हाँ लगी किसी को? ना ऐसा ही एक्सीडेंट है, बचे गए सारे, वो रहे ना वो। भाई साहब बाइक बजी है भाई, गाड़ी आगे से पूरी टूट गई है और भाई बंदों को कुछ नहीं हुआ, शुक्र मनाओ। जिस हिसाब से ये बाइक गाड़ी टूटी है ना भाई, मैं तो बोल रहा हूँ बंदा फुल मर जाता है यार। भाई साहब क्या बताऊँ भाई, बुलेट बजा है यार। भैया आपकी बाइक है? आप दोनों थे? नहीं नहीं मेरा दोस्त था यार। लगी तो नहीं उसको? थोड़ी बच गया। कहाँ यहाँ से बजे वहाँ से? ये ऊपर से आ रहा था। नहीं मैंने देखा पूरी टोटल लॉस हो चुकी है ये आगे से, फिर ठीक है ख़त्म होगी पूरी। वैसे चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। तो भाई साहब
बंदा दूसरा था यार। ये गाना जाओ यार। मैं भैया पंच तीर्थी तक आगे जाना था मुझे, अगर आगे चले जाना। कहाँ तक? जीवल तक जाना। जीवल? जीवल बड़ी दूर हो जाएगा। मैंने पांच तीर्थी जाना है बस। विजयनगर से अंदर जाना है? नहीं नहीं, यहीं से बस आगे, आगे से जो अपना ये मोड़ है वहाँ से अंदर हो जाना है। कहाँ पे? पांच तीर्थी तक जा सकता हूँ मैं। वो यार ये अंकल बोल रहे हैं पंच तीर्थी तक छोड़ दो, सो इनको छोड़ देते हैं भाई। इनकी भी गाड़ी अभी मेरे ख्याल से स्टार्ट वगैरह नहीं हो रही है, तो भाई बुलेट अपनी जो है भाई टोटल लॉस हो चुकी है। सो अंकल को पंच तीर्थी तक छोड़ते हैं भाई। बहुत गंदा सीन हो गया, अंकल कह रहे हैं भाई मरते मरते बचे हैं ये। सो यार हेलमेट वगैरह लगा के रखो, बंदे ने हेलमेट लगाई थी तो वो बच गया भाई। ये कहाँ से आ रहे थे? ऊपर से। तो इन्होंने कहा मोड़ नहीं कटोया, क्या हुआ? मोड़ नहीं कटोया। तो भाई अंकल को ड्रॉप कर दिया मैंने यार, उन्होंने यहीं तक जाना था इस चौक तक, तो जाना नहीं जीवल तक था, तो भाई मैंने बोला मैंने पंच तीर्थी तक जाना। तो यार मेरे से जितना हो सका मैंने कर दिया, तो बस यार ऐसे हेल्प कर देनी चाहिए यार, क्योंकि कल को किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कोई अपना ही होगा तो फिर तुम भी ऐसे हेल्प मांगोगे, कोई और नहीं करेगा तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, इसलिए मदद कर देनी चाहिए। तो मैंने उन भाई लोगों को भी पूछा, बट वो कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हो चुका है, वो हॉस्पिटल पहुँच चुका है। भाई यार जब ये देखने को मिल जाए ना तो यार पूरा मूड ख़राब हो जाता है यार बाइक चलाने का, एक डर सा। ये देखो ये वहाँ देख रहे हैं, क्या बोलूँ यार। तो भाई यार राइडर राजा आ चुके थे अपने, तो हमने अभी नान वगैरह खाया, तो अब अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। गर्मी बहुत है यार, अभी मन नहीं कर रहा बनाने का। राजा जा रहे हैं अपने आगे आगे। ओ भाई साहब ये कब खुलाया उसने? ये सही है बड़ा, वाह बंदे ने खुला दिया, मैंने बोला था। सही लग रही है वैसे ना यार, टेल लाइट ये सही है भाई, टायर की लुक लग रही है वैसे। वो टायर लिप कर रहा है इसका चाचू। एक